Hi guys, welcome to my channel Best of Education. Today you know some important science tips. अर्थात आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे. हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिखने वाले रेड बटन को क्लिक करें और बगल में दिखने वाले घंटी को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे. अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है. महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है. मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जल 60-75% है. शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है. यह एक नर जनन कोशिका है. एड्रिनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है. हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपरमास्टर हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है. जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कर्ण में होती है. सबसे लंबी हड्डी फीमर जांग में होती है. 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है. वॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज होता है. रुधिर की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है. विटामिन के घाव भरने में सहायक है. केले में अनिषेक जनन पाया जाता है. तिल चिट्टा में रुधिर रंगहीन होता है. तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है. मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है. बियर किरण से बनाई जाती है जबकि शराब आसवन से बनाई जाती है. परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है. असंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है. एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता का कोयला होता है. इसमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा में होती है. द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन होता है. पारा सीजियम गैलियम द्रव धातु होते हैं. शेष ठोस धातु होते हैं. -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फारेनहाइट समान होते हैं. सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन की कमी से क्वासियोस्कारे तथा मरेस्मस रोग हो जाते हैं. सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है तथा इसे केरोसिन में रखा जाता है. सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है. चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है. पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है. ओजोन मंडल पारा बैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है. पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टियन वर्नार्ड द्वारा किया गया था. भारी जल परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है. ए बी रुधिर वर्ग वाले मानव को सार्वत्रिक ग्राही तथा ओ रुधिर वाले मानव को सार्वत्रिक दाता कहते हैं. लार रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा पलिहा व लसिका कोशिकाओं में होता है. रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है. क्लोरोफार्म का प्रयोग निश्चेतक बेहोश करने वाला पदार्थ
के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार रुधिर कणिकाएं केंद्रक भीन कोशिकाएं होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता है। 0 डिग्री केल्विन तापक्रम को परम शून्य तापमान कहते हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में मान 0 डिग्री केल्विन होता है। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। उत्तल दर्पण मोटर वाहन चालक उपयोग में लेते हैं। चिकित्सक कान नाक गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लाल हरा तथा नीला प्राथमिक रंग है। इंद्रधनुष में बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी तथा लाल रंग होते हैं, जिसका ट्रिक होता है बेंजामिन पिनाला। सर्वाधिक तरंग दर्द लाल प्रकाश का तथा सबसे कम बैंगनी प्रकाश का होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। हाइड्रोजन परमाणु यह ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कांसा तांबा तथा टीन का बना होता है। गम मेटल तांबा टीन तथा लेड का, पीतल तांबा तथा जस्ते का तथा स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम कार्बन तथा निकल मिले होते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग में रेडियो समस्थानिक स्वर्ण 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैडमियम का नाभिक रिएक्टर में श्रृंखला विक्रिया के नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। सूर्य तथा हाइड्रोजन बम में उत्सर्जित ऊर्जा संचक संलयन प्रक्रिया के उदाहरण है। वायरस जनित रोग एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम डेंगू ज्वार पोलियो चेचक पीलिया हिपेटाइटिस रेबीज आदि। जीवाणु जनित रोग तपेदिक क्षय प्लेग डिप्थीरिया तोड़ कुष्ठ मोतीझरा टिटनेस निमोनिया हैजा आदि। अनुवांशिकी रोग हीमोफीलिया मंगोलिज्म वरांगता आदि। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 24 कैरेट स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण माना जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व इनामिल दांतों पर होता है। विटामिन ई चर्बी युक्त विटामिन है। वाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। पीने वाली शराब में एथेनॉल एल्कोहल होता है। मानव का तापमान 310 के या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कच्चा तेल काला सोना कहलाता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके साधारण को संपीड़न करते हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में थका जमाने में सहायक विटामिन है। लसिकाणु लिम्फोसाइट कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया। भारत की प्रथम जमीन से हवा में मार करने वाली निम्न दूरी की मिसाइल त्रिशूल है। बम की इकाई डायन है। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति 70 से 80 के मध्य होती है। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है।
रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। पारे का रासायनिक सूत्र Hg है। ज्यादा कद ऐसा अनुभव किया जाता है कि थर्मस में जब खौलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि खौलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20% है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। गर्मी में दूध में वसा तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट 72 होती है। विद्युत बल में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। एनीमिया रोग आयरन लौह की कमी से होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। स्वर्ण धातु पर हवा एवं ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है। एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमोचन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। अस्थि और उपास्थि के निर्माण और अनुरक्षण के लिए कैल्शियम तत्व की मुख्य आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स में आमतौर पर मिलने वाली एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। हवाई जहाज का आविष्कार ओवरविल एवं विलियम राइट ने किया। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है। रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम मीर है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम है। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 75% भाग 24 वर्ष में विघटित होता है तो उस तत्व का अर्धायुकाल 12 वर्ष होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। ध्रुवण की घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अकीर्य गैस हीलियम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण रूप स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव है। श्रीहरिकोटा स्थान भारत के रॉकेट प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विश्व में लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किया। कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से दमा रोग होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में दिखने वाले बेल घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।